स्वागत है आपका एक बार फिर से। वर्ग की आज हम लोग बात करेंगे, फाउंडेशन की क्लास है हमारी ये, और आप ये मान के चलिए कि आज की क्लास में वर्ग से रिलेटेड आपके जो भी बेसिक्स है, जो भी आपके फाउंडेशन है, सभी क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, इतना डिटेल में आज हम लोग वर्ग को फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं हम लोग वर्ग का, फाउंडेशन का आज का क्लास है। आप सभी जानते हैं वर्ग का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। वर्ग मतलब आपका क्रिया, कोई कार्य, कोई भी कार्य किया जाए, कोई एक्शन शो हो रहा है, कोई एक्टिविटी दिखाई जाती है, ठीक है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का कुछ होना। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कुछ होना, तो मेरा जो होना शो हो रहा है ना, वो भी वर्ग ही कर रहा है। मैं डॉक्टर हूं तो हूं कौन हूं, मैं डॉक्टर हूं, वो भी कौन शो कर रहा है, वर्ग कर रहा है। मुझे क्रिकेट पसंद है, आई लाइक क्रिकेट, तो लाइक क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो भी आपका वर्ग दिखा रहा है। कोई एक्टिविटी, जैसे आई राइट अ बुक, मैं क्या करता हूं, मेरी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी मेरी दिखाना होती है ना, तो वो भी वर्ग दिखा रहा है। तो चलिए पूरा एग्जांपल के साथ डिटेल में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखूंगी ये वर्ग आया कहां से। ये जो वर्ग है ये आपका लैटिन वर्ड से आया है। किससे आया है, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है वर्ग। लैटिन वर्ड से आपका वर्ग आया है जिसका है लैटिन वर्ड वर्बम। वर्बम से आया है और ये वर्बम का मीनिंग होता है अ वर्ड, एक शब्द, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वर्ब जो है, वर्ब का मीनिंग होता है अ वर्ड, एक शब्द। अब इसको ऐसा क्यों कहा, एक शब्द क्यों कहा, क्योंकि आप देखो दोस्तों कि वर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। पूरे वाक्य के अंदर अगर सबसे जरूरी कोई वर्ड है, कोई शब्द है, तो वो है आपका वर्ब। कैसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके। जैसे आई ईट, ध्यान से देखिएगा, आई ईट मैंगो, ठीक। इसका हिंदी क्या हो गया कि मैं आम खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं आम खाता हूं। अब आप देखो आई ईट मैंगो, अब इसमें आपका वर्ब क्या है, आपका वर्ब हो गया ईट, ठीक, खाता। यहां पे क्या है, खाता हूं, ठीक है, तो आपका ये जो खाता हूं है ये आपका हो गया वर्ब। अब आप ध्यान से देखो यहां पे ईट शब्द खाना, ये जो ईट शब्द है ये आपके दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, ये ईट शब्द जो है आपके सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर रहा है और ये ईट शब्द आपके ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और इस ईट की वजह से इन दोनों शब्दों का अस्तित्व है, इस ईट की वजह से, इस वर्ब की वजह से। बाकी के जो, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब की वजह से बाकी के जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो वर्ड्स हैं वो बाकी की वजह से, इस ईट की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देखो ईट, दो प्रश्न आ रहे हैं हमारे दिमाग में, क्या, एक तो ईट, इधर आप देखो कौन, मैं कौन खाता है, देखो कौन कौन से कौन दे रहा है, मैं कौन खाता है, तो कौन खाता है, आई मैं खाता हूं, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या खाता है, इधर कौन, कौन मतलब तू, ध्यान से देखो ईट जो है यही प्रश्न पूछ रहा है, ईट से ही अपन पूछेंगे कि कौन खाता है, मतलब कौन ईट, हू ईट्स, तो ये उसका आंसर आ गया आपका सब्जेक्ट। और क्या खाता है, उसका क्वेश्चन क्या में आया, व्हाट ईट्स, इधर देखो क्या, क्या या फिर व्हाट, इसलिए ये बता रहा हूं कि क्यों आपका वर्ड जो है सबसे जरूरी है। तो आप प्रश्न किससे पूछ रहे हो, किस वर्ड के वजह से आप प्रश्न, यहाँ पे ये दोनों की सिचुएशन आप दोनों को एक टॉम्बो कर पा रहे हो, दोनों को रिलेट कर पा रहे हो। आप देखो ईट, तो क्या कौन खा रहा है, आय खा रहा है, ठीक है, ईट क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। तो ये ईट जो है इस
ठीक है, तो ये इस इसकी वजह से जैसे ईट यही तो रिलेट कर रहा है ना, ईट हु ईट, तो आई ईट, अगर हु का आंसर आया तो सब्जेक्ट हो गया, व्हाट ईट क्या खाता है तो मैंगो खाता है, तो क्या का जो आंसर आ रहा है यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो ये याद रखें कि आपका जो वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, सबसे महत्वपूर्ण वो वर्ड होता है। चलिए, मैंने आपके सामने तीन अलग अलग डेफिनेशंस लिखी हुई है और तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वर्ब क्या होता है। देखो, फर्स्ट देखो आपको क्रॉप डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, इसमें क्या मीनिंग समझ के आ रहा है कि वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो हम कुछ कहते हैं, कुछ कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं यहां पे ले लेता हूं, शी सिंग्स वेल। ठीक है भाई, वो अच्छा गाती है, उसके बारे में क्या कहा मैंने कि वो, उसके बारे में क्या कहा कि वो बहुत अच्छा गाती है, या शी डांस वेल, तो उसके बारे में क्या कहा मैंने कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। मतलब फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है आपको, भाई पूरा क्लियर करेंगे आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आज मैं बिल्कुल इस वर्ब का इतना डिसेक्शन करने वाला हूं, इतने डीप में जाके आप लोगों को पूरा क्लियर करवाने वाला हूं कि आज के बाद आपको वर्ब के सब्जेक्ट में कभी कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूं दोस्तों। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो, तीनों डेफिनेशन का हम लोग असल में मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बता रहा है। अब देखो, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब ऐसा शब्द है जो आपको कुछ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी उसके बारे में कहना है तो आप वर्ब यूज करोगे। जैसे ये देखो, शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। अब देखो, ये देखो, ही इज अ डॉक्टर, ये भी उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि उसके बारे में क्या बोल रहा हूं, उसके बारे में वह कौन है, उसके बारे में बता रहा हूं कि वह डॉक्टर है। क्लियर है? तो पहली डेफिनेशन हमारी, किसी के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहना, कहने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्लियर है फर्स्ट डेफिनेशन? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो आप ध्यान से, सेकेंड डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। यहां पे स्टेट्स का मतलब होता है दशा, उसकी दशा दर्शाना, उसकी मनोदशा है, उसकी दशा, उसका उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, इसको आप दशा बोल सकते हो या फिर उसकी पहचान बता सकते हो। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है तीनों डेफिनेशन का मीनिंग तो एक ही जाएगा, बस थोड़ा उसको समझाने में अलग अलग तरीका इस्तेमाल करा है। तो देखो, स्टेट का मतलब उसका दशा, उसकी दशा, जैसे क्या दशा, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आई फील हैप्पी, मैं खुश हूं, मुझे खुश लग रहा है ना, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो मैं कैसा फील हो रहा है, मेरी दशा क्या है, जैसे आई एम हैप्पी, ये ले लो आप। ठीक है, आई एम हैप्पी, कैसी दशा है मेरी, क्या हूं मैं क्या हूं, मेरी दशा क्या है, खुश हूं। तो कौन बता रहा है, एम, एम जो शब्द है, एम मैं हूं, कैसा हूं, खुश हूं, तो आई एम, तो वो मेरी क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, ये जो वर्ब है ना, ये मेरी दशा बता रहा, मेरा स्टेट बता रहा, मैं किस कंडीशन में हूं, मैं कैसा हूं, मैं हूं कौन। जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो क्या है मेरी दशा, मेरी पहचान, डॉक्टर। ठीक है, आई एम अ टीचर, क्या है मेरी पहचान, मेरी दशा, टीचर। ठीक है, आई एम एंग्री, क्या है मेरी दशा, गुस्से होना, ये गुस्सा पर, समझ में आ रही मेरी बात। तो पहले
दशा बताना, मतलब दो चीज पकड़ ली हमने वर्ब के बारे में। वर्ब हमको दो चीज बताता है, एक तो किसी के बारे में कुछ कहता है, भाई यू आर अ नाइस पर्सन, तो यू आर कैसा है, नाइस पर्सन है ना। यू सिंग्स वेल, शी स्लीप ऑल द टाइम, हर टाइम सोती रहती है, तो वो उसकी बारे में बता रहा है। एक उसकी दशा बता, शी इज अ टीचर, कौन है वो, टीचर है, तो उसकी क्या बताई, दशा बताई। क्लियर है दो पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ये डेफिनेशन आपकी और फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सेम है दोस्तों, कोई फर्क नहीं, ठीक है। वो भी कुछ कह रही है, सही या गलत एक ही बात है ना, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है। असर्ट मतलब कोई बात के बता रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें थोड़ा सा स्टेट की बात हो रही है कि उसकी क्या दशा है, उसकी क्या पहचान है। क्लियर हो रही है आपको ये बात, बिल्कुल क्लियर हो रही है दोस्तों। चलिए ये हमने इसके कुछ डेफिनेशंस लिखे थे, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चलिए तो ये तो पता कर लिया भैया कि हमको ये जो वर्ब है ये कुछ कहती है, वर्ब हमको उस पर्सन या उस थिंग के बारे में कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है वो थोड़ा सा आगे हम लोग स्टडी करते हैं। चलो फिलहाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग इसको पोस्ट करके पूरा कॉपी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कंसेप्ट पूरा स्टार्टिंग से, आज देखो फर्स्ट क्लास है हमारी वर्ब की, फाउंडेशन की आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज से पूरा आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि हम लोग पहले तो इसके पूरे फाउंडेशन को, इसके डीप में जाके इसका पूरा फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद फिर जो एरर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तो वर्ब का कुछ भी बचने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमारा एग्जाम में आ रहा है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, इतना तो पक्का मैं आप लोगों को वर्ब करवा दूंगा। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख लिया आप लोग इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी डेफिनेशन ने हमको क्या बताया, डेफिनेशन ने वर्ब की हमको बताया कि सर वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्सन या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने को हम लगाते हैं, ठीक है। किसी वस्तु, अगर ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को जो है वर्ब कहा जाता है। लेकिन ये वर्ब हमसे क्या कहता है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में वो क्या कहता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके हम लोग तो फीचर्स पढ़ने वाले, सॉरी फीचर्स के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमको क्या कहता है। देखो, अ वर्ब मे टेल अस, ठीक है। अब वर्ब हमको जो है वो क्या क्या बताता है, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन, वर्ब हमको कहता है, क्या कहता है वर्ब हमको, वर्ब हमको कहता है What a person or thing does, ठीक, ये हमको कहता है, क्या कहता है, एक व्यक्ति या वस्तु क्या करती है, करती या करता है, भाई एक व्यक्ति या वस्तु क्या करता है या क्या करती है, ठीक है, करता या करती, वो क्या करता है वो हमको बताता है वर्ब जो सबसे पहले हमको क्या बताता है कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डस। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं,
शी लाफ्स, ठीक है। इसका हिंदी वह हंसती है, शी लाफ्स तो क्या हो गया, वह हंसती है, ठीक है। या फिर द क्या होती है, घंटी बजती है, घंटी क्या होती है, बजती है। तो पहली डेफिनेशन, पहला इसका क्लियर हुआ कि वर्ब हमको क्या बोलने की कोशिश करता है, वर्ब हमको बताता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु करता क्या है, क्या करता है, शी लाफ्स या द बेल रिंग्स, ठीक है। या ही आर्ग्यूस, तो क्या करता है, वो बहस करता है, ही आर्ग्यूस। या शी डांस, क्या करती है, वो डांस करती है। जैसे आई लाफ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हंसता हूँ, ठीक है। या वी प्ले, तो हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं, ठीक है। या दे स्टडी, तो वे लोग क्या करते हैं, वे पढ़ते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात, कि पहले पर्सन थिंग जो है वो क्या करता है, वो आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन हम लोग स्टडी करते हैं, दूसरा कंडीशन है हमारा फाइन, तो उस
इज ब्रोकन, तो खिड़की को क्या किया गया, खिड़की तोड़ दी गई। रूल्स आर ब्रोकन, नियमों का क्या किया गया, नियमों को का उल्लंघन कर दिया गया। ठीक है, रूल्स इज जैसे ही इज स्कोल्डेड, दे आर बीटन, उनको क्या किया गया, उनके साथ क्या किया गया, उनको मारा गया, दे आर बीटन। आधी बात समझ में, ये सिचुएशन बनाने के लिए भी हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, थर्ड फटाफट इसको कॉपी भी करते जाए, स्क्रीनशॉट लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें, तो इसको स्क्रीनशॉट लें और इसको कॉपी भी करें आप। ठीक है, थर्ड कंडीशन वर्ब हमें क्या बताता है, थर्ड कंडीशन है व्हाट अ थिंग और पर्सन इज बी। ठीक है, बी मतलब उसका स्टेट, उसका स्टेट दर्शाने का काम होता है कि स्टेट इज बी का मतलब व्हाट अ थिंग और पर्सन इज बी, मतलब वो क्या है। ठीक है, इसको एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। ठीक है, वो क्या है, उसका स्टेट बताने के लिए भी है ये दिया जाता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है, वो डॉक्टर है, तो ये आपका वर्ब है। जैसे देखो, आई एम हंगरी, मैं क्या हूं, मैं हूं, मेरा होना। ध्यान से देखो, हूं बोलते ना हिंदी में, जैसे ही से डॉक्टर तो क्या बोलते हैं, वह डॉक्टर है, बोलते ना हम लोग। तो ये जो है, ये जो है, ये आपका वर्ब है, क्या है वो, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है कि वो एक डॉक्टर है। क्या पहचान है उसकी, वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर आपका क्या हो गया, है उसका डॉक्टर गुना, ये गुना को दर्शाता है, वो आपका वर्ब दर्शाता है। ठीक है, ये आपका वर्ब जो है वो उसका गुना, यही तो बात हो रही है, क्या बात हो रही है, व्हाट अ थिंग और पर्सन इज बीइंग, उसका होना, उसका प्रेजेंस होना, उसकी आइडेंटिटी होना, वही दर्शाता है, कौन दर्शाता है, वर्ब दर्शाता है। इसको देखो, आई एम हंगरी, तो मैं हूं, क्या हूं मैं, हंगरी हूं, तो हूं मेरा कुछ होना। ठीक है, मैं भूखा हूं, मेरा कुछ, मेरी फीलिंग्स, मेरी हालत, मेरी हालत, मैं भूखा हूं, मेरी हालत दर्शा रहा है, होना, मेरी हालत का कुछ होना। ठीक है, जो वर्ब है ना वो क्या दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन पॉइंट हमने अभी तक स्टडी करा है, क्या, व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज बीइंग, उसका स्टेट बता रहा है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, व्हाट इज डन टू अ पर्सन, उस पर्सन और तीज के साथ क्या किया गया। ठीक है, और पहला उसकी आइडेंटिटी, पहला क्या बताया था, कि पहला हमने बताया था कि व्हाट अ पर्सन ने ये अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन और थिंग क्या करता है। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु क्या करती है, वो उसके साथ क्या किया गया वो, और उसकी क्या हालत, उसकी क्या स्टेट है, ये तीन चीजें हमको वर्ब जो है दर्शाने के काम आता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो शुरुआत की है यार हमारी बेसिक, इसके वर्ब के फाउंडेशन की हमारी शुरुआत हुई है। तो आप देखो कि हम कितना डीप, कितने कम डेप्थ में जाके हम लोग इस वर्ब की पूरी छानबीन हम लोग करने वाले हैं, और इसका कोई ऐसा हिस्सा हम लोग नहीं बचाने वाले, ऐसी कोई फाउंडेशन बेसिक चीजें छोड़ने वाले नहीं है वर्ब की। मतलब ये मान के चलो कि वर्ब का क्वेश्चन तो हमसे छूटने वाला नहीं है, वर्ब का
टेंशन ही नहीं, हर एक सारे लॉजिक सारे रूल्स जो है सारे ट्रिक्स जो है वो सब जो है बेसिक पे डिपेंड करता है। फाउंडेशन कहते हैं ना, कोई बड़ी से बड़ी इमारत होती है कितनी अच्छी आप उसमें ईंटें लगवा दो, कितना अच्छा उसमें सरिये लगा दो, मटेरियल लगवा दो, लेकिन जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी ना तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। वर्क का फाउंडेशन हमारा मजबूत हो गया ना तो सारे एरर वगैरह एकदम चुटकी में हम लोग करने वाले हैं। देखो चलिए अब बात कर लेते हैं दो फीचर्स की। तो इसके वर्क के फीचर्स जो हमने वर्क के फीचर्स और वर्क ठीक है, तो वर्क का फीचर फर्स्ट तो ये है कि मेन पार्ट इट इज द मेन, इट इज द मेन पार्ट या आप बोल सकते हो मेन वर्ड ऑफ अ सेंटेंस और क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन और सेंटेंस का जो है सेंटेंस और क्वेश्चन का जो है मेन पार्ट है ठीक है। ये क्लियर है कि सबसे मेन पार्ट है किसी सेंटेंस या क्वेश्चन का। फिर जो है ये भी हमने पढ़ा कि अ वर्ब इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और बी क्या एक्सप्रेस करता है वर्ब हमारा सेंटेंस के अंदर, या तो कोई एक्शन या कोई बी स्टेट ऑफ बी हमने जैसे बताया था वो एक्सप्रेस करता है ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि वर्ब जो है ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब में एग्री एग्री with its subject in, बहुत important point है ये, in number tense or mood, ये बहुत important point है। This point is वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिठा के रखो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ वर्ब में एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए किस किस चीज में, इन नंबर इन टेंस और इन मूड। यहां पे नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल, नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल ठीक। ये मैं आपको पूरा एग्जांपल से भी हम लोग समझ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल और टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ठीक है। टेंस में तो हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा, बट आप लोगों को काफी लोगों को टेंस का आइडिया है, आपने स्कूल में भी पढ़ा है, तो ये टेंस में भी एग्री होना चाहिए। और मूड, मूड मतलब हैप्पीनेस, हैप्पी मूड हो रहा है, सैड मूड हो रहा है, क्या उसका सीन क्या है सेंटेंस का, मूड कैसा है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो सब मूड के अंदर आता है ठीक है। क्लियर है तीन पॉइंट। चलिए उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि कैसे एग्री होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको कॉपी करें जल्दी से। ओके ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आप बोल सकते हो एरर्स का फाउंडेशन है, जो मिस्टेक्स जो क्वेश्चंस आते हैं ना एरर्स, उसका ये फाउंडेशन है। मतलब ये पढ़ना अगर आपने समझ लिया तो समझो एरर भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप वर्ब में एग्री विद इट सब्जेक्ट इन नंबर टेंस एंड मूड, जैसे अगर मैंने बात की, देखो ध्यान से, जैसे यहां पे मैंने बात की शी, इसके एग्जांपल देखो
He writes well. देखो अच्छे से लिखती है, ठीक है? She writes well. अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि सेंटेंस ये she क्या है आपका? ये आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है. तो ये क्या है आपका? शी क्या है? सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन. अब आप देखो अगर ये शी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. मतलब ये आपका क्या लिखना है? राइट्स. तो सिंगुलर वर्ब का मतलब पता है क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब उसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस लगना होना चाहिए या फिर ई एस होना चाहिए. ये पूरा मैं आपको शो क्लियर कर दूंगा, है ना? मैं क्लियर करवाऊंगा सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है, प्लूरल वर्ब की क्या पहचान है, या फिर पास्ट टेंस की में कैसा वर्ब होता है, प्रेजेंट में कैसा वर्ब होता है. अभी अपन हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें आप ये समझो कि कभी भी आप ना सिंगुलर वर्ब मतलब उसके साथ एस या ई एस में से कोई एक लगाओ, ठीक है? एस या ई एस में से कोई एक उसके अंदर लगा होगा लास्ट में. जनरली जैसे कि देखो ई आ गया तो उसमें पहले हम लोग एस लगा देते हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड है जैसे बस, तो बस के आगे बसेस ई एस लग जाएगा, ठीक है? जो नॉन वोवेल के शब्द अगर लास्ट में आ गए तो ई एस लग जाएगा. वो एक अलग चीज है. जैसे ये देखो जैसे बस आ गया बी यू एस बस, तो उसका बी यू एस ई एस बसेस हो गया, ठीक है? या फिर जैसे काउ है तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू है ना, तो यहाँ काउ हो गया सी ओ डब्ल्यू खाली एस हो गया. तो किसी में एस आता है किसी में ई एस आता है. आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं और आपका ध्यान जाए. हम इस पे सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है? देखो ध्यान से. और ये काफी स्टूडेंट को पता भी है कि ये एस लगता है, मतलब ये क्या है? सिंगुलर है. तो कभी भी वी वन प्लस एस एस आया मतलब ये किसकी पहचान है? ये सिंगुलर वर्ब की पहचान है. तो क्या देखो ध्यान से, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर. ये एक कंडीशन हो गई सर. चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं. यहीं पर अगला सेंटेंस देखो. दे अब देखो ध्यान से. दे राइट टू राइट, ठीक है? दे राइट वेल. अब आप ध्यान से देखो ये दे क्या है. ये दे आपका हो गया प्लूरल. क्या हो गया? प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है? तो प्लूरल प्रोनाउन अब आपका वर्ब हो जाएगा. ये भी प्लूरल फॉर्म है. तो अगर एज इट इज आपका कोई वर्ड है, एक्शन का वर्ड है, शब्द है जिसमें एस ई एस कुछ भी नहीं लगा, एज इट इज जो वर्ड अपन पढ़ते हैं ना, जैसे ई मतलब ऐसे जो वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब एक्चुअल में, ध्यान देना मेरी बात, ये सब एक्चुअल में प्लूरल के फॉर्म में है. अभी किस अगर इनमें एस वगैरह कुछ नहीं लगा ना तो आप ये मान के चलो कि ये सारे जो है ये सारे आपके प्लूरल के फॉर्म में है. मतलब एस इट इज जो हम लोग जिसको बोलते हैं ईट स्लीप वॉक टॉक रन जंप स्टैंड स्टी स्टडी स्लीप, तो ऐसे अपन जो बोलते हैं वो सब प्लूरल फॉर्म है. इसीलिए यहाँ पे देखो प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगाया, ठीक है? तो वो वर्ड अकेला एस इट इज जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में होता है. तो आपका ये जो वर्ड है ना इसको वी वन बोलते हैं. मैं इसको समझा दूंगा. अभी आप देखो कि ये किस फॉर्म में है. भाई अभी बस आप ये याद रखो कि वर्ब में अगर एस एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल है, ठीक? और वर्ब में अगर एस एस लगा है तो वो सिंगुलर है, ठीक? अब देखो ये प्लूरल उसके साथ प्लूरल वर्ब, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप देखो नंबर अगर अ वर्ब में एग्री विद इट सब्जेक्ट, भाई जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. क्लियर हो रही मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो ये तो नंबर के हिसाब से, वैसे टेंस के हिसाब से भी हम लोग इसमें चेंज हो जाते हैं वर्ब आपके. कैसे इसका मैं बता देता हूँ. आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते रहे बार बार, वीडियो को पोज करके इसके पहले पूरे नोट्स बनाए. यहाँ के नोट्स बना के आपको किसी बुक को
लोग कोई दूसरा टेंस ले लेते हैं, हम लोग कंटिन्यूस टेंस ले लेते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस में देखो, शी इज राइटिंग वेल, वो कैसे लिखी है, तो शी इज राइटिंग, देखो टेंस चेंज हो गया है ना। अब देखो आप ध्यान से, टेंस अगर चेंज हो गया तो ये आपका वर्ब भी चेंज हो गया। भाई पहले हमारा सिंपल में था तो राइट्स था, खाली सिंपल प्रेजेंट में था तो केवल क्या था, राइट्स था। अब आप देखो कि ये कंटीन्यूअस में हो गया, किसमें हो गया, ये आपका, ये आपका कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ये जो टेंस है कौन सा था, ये आपका सिंपल प्रेजेंट था। देखो तो सिंपल प्रेजेंट से जब आपने टेंस बदल लिया, भाई सिंपल प्रेजेंट से इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंपल कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया। अब देखो तो यहां का था स्ट्रक्चर, यहां केवल राइट्स था। अब देखो आप लोग क्या हो गया, इज राइटिंग। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि टेंस के हिसाब से भी आपका जो वर्ब है वो चेंज होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक, टेंस के हिसाब से भी आपका वर्ब जो है चेंज होता है। वैसे ही मूड भी होता है कि शी इज हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी, ठीक है, तो शी इज इन हैप्पी, शी इज इन हैप्पी, तो मूड के हिसाब से आपका जो सेंटेंस इसमें आपके वर्ब में चेंजेस आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये तीसरा वाला एग्जांपल से मैंने आप लोगों को बताया, और इसी के ऊपर सारे अगर हमने इसी के ऊपर रूल्स बनने वाले हैं दोस्तों। देखो आप लोग आगे और डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे। ये हो गया डेफिनेशन हमने देखी, उसके फीचर्स हमने देखे वर्ब के एग्जांपल्स के साथ। अब कुछ हम लोग इसको टाइप्स वगैरह देखते हैं वर्ब की, अलग अलग टाइप्स। वर्ब को जो है ना बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स उसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाती है, है ना। तो हम लोग अभी आज हमारा जो लेक्चर है ना, हम लोग सब उन अलग अलग कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन सी कैटेगरी में है ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आप देख लेते हैं टाइप्स में, ओके, तो मैं देखता हूं टाइप्स ऑफ वर्ब में, ठीक है। ये चीजें बहुत सारी आप लोगों ने पहली बार सुनोगे आप लोग, क्योंकि ये केवल हमने जो कुछ गिनती के टाइप्स को नहीं होते, और भी अलग अलग तरीके से हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टाइप्स की बात करो यहाँ पे, तो हम लोग लेंगे थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स, थ्री। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, नंबर वन और यहाँ पे नंबर टू, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारा है, फर्स्ट है हमारा फिजिकल वर्ब्स, ठीक है। दूसरा हमारा है मेंटल वर्ब्स। किसने सुना है बताओ जल्दी से, ये काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम पूछा होगा, सुना होगा, वो उसके एक्शन के स्टेट के उसके हिसाब से स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग, या इसको हम लोग टू बी भी कहते हैं, ठीक है। देखो भाई ये जो समय है ना, ये आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए है, वर्ब का जो बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर करने के लिए है। हमको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना, हमको पता होना चाहिए कि उसको कैसे अलग अलग, ताकि हम लोग हमारे वर्ब की हमारी जो समझ है ना वो बहुत मजबूत हो। इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको नोट भी करते जाए। चलो तो फिजिकल वर्ब, मेंटल वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग। देखो फिजिकल वर्ब मतलब ऐसे एक्शन जो हम देख पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आई रन फास्ट, ठीक है। तो जब आप दौड़ते हो तो आप उसको फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है, आई रन फास्ट। या जैसे ही, देखो ही हिट मी, उसने हिट कर दिया, उसने मुझे मार दिया, ठीक है, तो उसने हिट करा था, वो क्या थोड़ा सा फील कर पा रहे हो उसको, फिजिकली आप उसको रियलाइज कर पा रहे हो,
समझाने के बाद फिजिकली उसको रियलाइज कर दो, जैसे दे कैरी लोगो, दे कैरी लोगो, ठीक है, तो वो लोड लोड अपने ऊपर सिर पे कैरी कर रहा है, ठीक है, दे कैरी लोड, वो लोड अपने ऊपर कैरी कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको देख पा रहे हो कि भाई सामने वाला जो है वो लोड कैरी कर रहा है, जैसे आई ड्रिंक वाटर, तो पानी पी रहा हूं, तो वो मेरा जो एक्शन है वो पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं चल रहा हूं, है ना, मैं चल रहा हूं यहां पे, तो अगर मैं चल रहा हूं यहां पर तो वो दिख रहा है आपको, तो आप उसको फील कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर मैं सो रहा हूं तो वो दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरी आंखें बंद है, वैसे तो वर्ब जो है, मैं आपको एक चीज बताऊं, वर्ब सब फिजिकल कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि सोना कभी भी नहीं दिखता है, अगर आप बिल्कुल डीप में जाओगे उसमें तो आप बोलोगे सर सोना कैसे पता चला, ये तो आंखें बंद होना पसंद है ना, चलना नहीं दिखता है, अगर आप डीप में जाओगे तो चलना नहीं दिखता, लेकिन केवल आपके पाँव का मूवमेंट दिखता है, पाँव ऐसे 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 मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात है, बट बेसिकली जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने आंखों से, सेंसेस से, जिस चीज को, जिस एक्शन को, जिस कार्य को आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो रहा है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, फिजिकल वर्क बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है, चलिए कुछ मेंटल वर्क की बात करते हैं। मेंटल वर्क में जो आप केवल हमारे थॉट से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे केवल किससे रिलेटेड है, थॉट से या हमारी थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे मतलब हमारे थॉट्स या केवल थिंकिंग सोच से जुड़ा हुआ है, जैसे आप देखो एग्जांपल है हमारा, आई फील सॉरी, तो ये जो आप उसके लिए सॉरी महसूस कर रहे हो, आप एकदम हंस रहे हो लेकिन उसके लिए सॉरी महसूस कर रहे हो, तो क्या आप देख सकते हो उसके चेहरे पे, पढ़ पाते हो कि ये सॉरी महसूस कर रहा है ना, तो वो जो सॉरी फील, वो तो फील कर पा रहा है ना, तो ऐसे कुछ वर्ड है जो वो फील कर पा रहा है, तो आई फील सॉरी है ना, जैसे ये देखो, जैसे ये आई एम हंगरी, तो ये हंगर जो है आपकी जो भूख है वो आप क्या कर पा रहे हो, वो फील कर पा रहे हो, है ना, जो हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ, ऐसे वर्ड जो हमारी फीलिंग से, हमारे सोच से, हमारे थॉट से जुड़ा हुआ कुछ है, तो वो हम लोग उसको मेंटल वर्ब में लेते हैं, क्लियर है, फिर हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ हमारा कुछ होना, हमारी कुछ पहचान होना, है ना, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिए, जैसे ही इज अ टीचर, ये कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसका टीचर होना वो उसकी आइडेंटिटी है, जैसे ही हैज अ बैग, क्या है उसके पास, उसके पास क्या होना, उसके पास वो बैग का होना, ठीक है, वो स्टेट ऑफ बीइंग में आता है, किसमें आता है, स्टेट ऑफ बीइंग में आता है, क्लियर हो रहा है ना, अब बहुत सारे आप बोलोगे कि ये टू बी क्या है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये टू बी किसको बोलते हैं, ठीक है ना, टू बी किसको कहा जाता है, टू बी का एक शब्द समझना है तो होना, टू बी मतलब कुछ होना, मतलब किसी का कुछ होना, किसी की कुछ पहचान, ठीक है, होना मतलब ये कोई पहचान से रिलेटेड, ठीक है, कुछ होना, जैसे जैसे आप बोलेंगे कि यू आर अ गुड बॉय, तो तुम कौन हो, तुम हो क्या, हो अच्छे लड़के, तुम्हारी आइडेंटिटी, यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तो आपका कुछ होना वो आपका टू बी से आता है, अब वो जो टू बी है उस पर हम लोग कौन कौन से वर्ब लगा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टू बी है इसके अंदर आता है, टू बी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे इज आता है, ठीक, आपका आर आता है, आपका एम आता है, ठीक है ना, इज एम आर आपका आता है, फिर आपका ये वॉज हो गया, फिर आपका वर हो गया, या फिर आपका बी भी आता है, बी
से एग्जांपल भी हम लोग करने वाले हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या मैंने समझाया? और बहुत सारे अलग अलग हम लोग कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने क्या बताया टाइप्स में, ये देखो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भैया इसमें तीन टाइप होते हैं वर्ब के। एक तो फिजिकली जिसको अपन पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई पा रहे हैं, हमारी जो कोई भी हमारा कार्य, कोई भी हमारी एक्शन जिसको अपन फिजिकली देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, ठीक। फिर मेंटल जो हम देख पहचान नहीं पा रहे, केवल सोच पा रहे, हमारी फीलिंग्स में आ रहा है, ठीक। फिर एक कोई आइडेंटिटी, किसी का कुछ होना, किसी की कुछ आइडेंटिटी होना, किसी का कोई अस्तित्व होना, कोई पहचान होना, तो वो आपका स्टेट